नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आपका शौर्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे तथा साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी नियमित रूप से जारी रखे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का चल रहा था, कुछ नंबर ऑफ जीरो हम लोग पढ़ चुके थे, उसके अलावा यूनिट डिजिट का लगभग सभी पार्ट हम खत्म कर चुके थे। उसमें का एक टाइप छूटा था जिसे हम इसमें कवर करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ हम देखें तो कल ये क्वेश्चन हम लिखे भी थे कि जब इसमें माइनस वाला यदि क्वेश्चन आ जाता है बीच में तो हम क्या करेंगे। जो बेसिक नियम था जो हम कल बताए थे वो ये बताए थे कि जीरो एक पांच और छ यदि बेसिक बेस पे दिया हुआ है उस पे पावर चाहे कुछ भी हो जाए उसके इकाई अंक पे वही अंक होगा, चाहे जीरो हो एक हो पांच हो या छ हो, जो भी बेस में होगा जीरो एक पांच और छह का पावर में चाहे कुछ भी हो जाए उसके इकाई अंक पे वही अंक होगा। उसके अलावा यदि यहां पे पूरा पूरी कट जाए, विभाज्य हो जाए चार से, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहां पे पुनः चार पावर के रूप में मान लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यदि माइनस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें करना वही है, इसके अंतिम दो अंकों को हम चार से भाग देंगे, उसके बाद शेषफल देखेंगे कि शेषफल कितना बचता है। तो 19 में चार से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा तीन। जब हम यहां पे इस 82 में दो ही अंक है ही, यहां पे चार से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा दो। अब हमारा जो परिणाम होगा, ये जो भी ये संख्या रही हो कुछ भी रहा हो उसके इकाई अंक को हमें देखना है और उसके घात के रूप में इसका शेषफल लिख देना है। उसके बाद माइनस करके हमें इसके लास्ट वाले अंक को देखना है और उसके पावर के रूप में इसका जो शेषफल बचा था वो रख देना है। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सात का पावर यदि तीन होता तो ये चाहे कोई भी संख्या रही हो उसके लास्ट में सात का पावर तीन मतलब हो जाता है 343 और 343 का मतलब कि तीन रहा होगा इकाई के स्थान पे। उसके बाद इसके परिणाम में अंतिम अंक पे यदि तीन है इसका मतलब कि तीन के पावर दो मतलब कि ये रहा होगा कितना, नौ। हमें करना क्या है, इस पहले वाले इसके परिणाम से इसके परिणाम को घटा देना है, माइनस करना है, मतलब इसमें से हमें घटाना है। यहां कर सकते हैं, जब हम घटाएंगे तो तीन से नौ जाएगा नहीं, इसका मतलब कि इसका प्रोडक्ट कुछ बड़ा रहा होगा, इधर कोई ना कोई और अंक रहा होगा, हम वहां से उसको हंसिया लेंगे तो ये हो जाएगा तेरह और तेरह में से नौ जाएगा इसका मतलब चार आया, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आया होगा उसके इकाई अंक पे क्या रहेगा, चार रहेगा। सेम क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। यहां पे जो हम देख रहे हैं यहां पे भी लास्ट में सात है, सात ही रहेगा, उसके बाद 343 है इसको हम भाग दे देंगे चार से तो शेषफल जो है वो बचेगा आपका कितना, तीन। यहां पे तीन है, तीन ही रखेंगे, उसके बाद इसके लास्ट में चार से भाग दे देंगे 18 में, शेषफल बचेगा कितना, दो। इसका मतलब ये सात का पावर हो गया तीन और ये तीन का पावर हो गया दो। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी रहा होगा लास्ट में ये 343 आया ही होगा, मतलब कि लास्ट में तीन आया होगा और उसी में से हमें माइनस कर देना है, इसके प्रोडक्ट में से तीन का पावर दो मतलब कितना, नौ, और तेरह में से नौ जाएगा इसका मतलब कि आ जाएगा कितना, चार। तो अभी तक आप यूनिट डिजिट वाला भी कवर कर लिए, पीछे आप जो है कि नहीं एक और टाइप इसका कवर कर चुके हैं, अब हम जो है कि नहीं तीसरा टाइप जो नंबर सिस्टम का पार्ट जो है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि विभाज्यता का नियम है। लगभग सभी किताबों में उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से है, लेकिन हम कुछ ऐसे कोशिश करेंगे जिससे कि परीक्षा में हमारा समय जो है कि नहीं बच सके। तो इसको यदि हम करें तो हम देखेंगे कि हमें सारा नियम लगभग कवर करना होगा, जिसकी जरूरत वैसे खास जरूरत सबकी पड़ती नहीं है, सिर्फ हमें तीन की, नौ की, ग्यारह की और तेरह की तथा सात की, केवल इन तीन चार का हमें नियम की जरूरत को जो है कि नहीं यूज करना होता है परीक्षा में। फिर जब हम यहां पे देखें, इसको लिख देते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, मतलब कि विभाज्यता के
नियम। इसमें हमें 2 से लेकर 18 तक, 17 तक, 15 तक, जहां तक भी हम चाहें वहां तक कर सकते हैं। तो पहला आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर अपने आप याद हो जाएगा और आसानी रहेगा आपके लिए परीक्षा हॉल में। तो 2 का नियम यदि हम देखें स्टार्टिंग में, 1 का कोई नियम की कोई खास जरूरत है नहीं, हम 2 का नियम देखें। इसका मतलब कि 2 का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3, 2, 7, 5, 2, या फिर एक ये लिख लेते हैं, दूसरा हम लिख लेते हैं अगर 5, 7, 2, 8 और 6, या फिर यदि हम लिख लें 5, 1, 2, 8 और 7, और कुछ एक और दे दे, क्योंकि परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन देगा, या बैंक वगैरह में अगर आप बैठे तो उसमें 5 ऑप्शन देगा, अगर हम लिख लें 7, 3, 8, 2 और 8, और आपसे ये बोल दिया कि इनमें से ज्ञात करें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगी, तो आप इसका बेसिक सा नियम याद रखिए कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पे या तो 0 हो अथवा वहां पे कोई भी सम संख्या रहा हो, तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इकाई अंक पे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब ये भी संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाई अंक पे 8 है, ये भी संख्या सम है, तो ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक पे 7 है, इसका मतलब कि ये संख्या 2 से किसी भी हालत में विभाजित नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये देना है, हो सकता है कुछ भी दे दे, अगर यहाँ पे 0 भी होता तो भी ये अपने आप में सम संख्या ही होता, तो ये भी फिर भी 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होता। तो आगे हम देखें, अगर 3 का नियम देखें तो 3 का नियम ध्यान देना कि 3 का नियम किताब में भी दिया है, होता है कि अंकों का योगफल, जो भी संख्या दिया हो उसके अंकों का जो योगफल होगा उसे 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। जैसे ऑप्शन दे दिया अगर, और ऑप्शन दे करके आपसे कुछ इसके लेकर के पूछ दिया, तो आप एक चीज समझिए, अगर हम यहां पे लिख दें फिर यदि हम लिख दें और अगर हम इसका 2-3 लिख देते हैं, उसके बाद जो है कि नहीं, इस पे हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि कौन सा ऐसा है जो कि 3 से विभाज्य है और कौन सा ऐसा है जो कि 3 से विभाज्य नहीं। तो आप एक चीज सोचिए, किताब वगैरह में दिया है या फिर हम जनरली इसको पढ़ते आ रहे हैं कि अंकों का जो योगफल होगा यदि 3 से विभाज्य है, इसका मतलब कि वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य होगा। लेकिन बाबू इतना बड़ा बड़ा वो दे देता है संख्या कि जब हम जोड़ते हुए जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अगर अंक छूट गया या गलती से अगर जोड़ने में गलती हो गया तो फिर एक क्वेश्चन हमारा जो है कि नहीं वहां पे कट जाएगा। तो आप एक चीज सोचिए, आप जोड़ने जाना ही नहीं, आप एक चीज सोचो कि 3 जो है वो कटेगा ही। अगले स्टेप पे हम देखें 7 और 2 जोड़ दें तो ये भी 3 से कट ही जाएगा, 5 और 2 7 1 8 और 3 11, इसका मतलब अब जो है कि नहीं ये 3 कट गया, अगर हम कटा भी दे तो 2 और 1 3 कट गया और बचा ये 5, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब हम इसको बार बार जोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि जहां पे भी 3 हो जाए या 6 हो जाए, 3 का कोई भी गुणज जोड़ते वक्त यदि हो जाता है तो हम उसे वहीं पे कटा करके और आगे बढ़ जाएंगे। अगला चेक करते हैं, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 का नियम लिख लीजिएगा कॉपी में, 3 का नियम लिख रहे हैं। अब आगे हम देखें, ये 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, हम यहां से इस हिसाब से कर देंगे, इसका मतलब ये 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। इसको भी हम जोड़ने नहीं जाएंगे, 7 और 2 9 कट गया, 1 और 8 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया। तो आपको करना क्या है कि आराम से अगर कंप्यूटर पे अगर यदि आपका परीक्षा हो रहा है तो फिर आप उस पे स्क्रीन पे देखते रहना और ध्यान से सिर्फ देख करके कटा देना, जोड़ने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आगे यदि हम देखें 4 का नियम, 4 का नियम होता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंतिम का 2 अंक यदि 0 हो, ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या दी गई हो उसके अंतिम का 2 अंक यदि 0 होगा अथवा उससे बनी हुई संख्या
अंतिम के दो अंकों से बनी हुई संख्या यदि चार से विभाज्य होती है, इसका मतलब कि वह संख्या पूर्ण रूप से चार से विभाज्य होगी। हम कुछ लिख देते हैं इसके लिए, चार के नियम। इसका नोटबुक बनाते रहना, और नहीं तो लेक्चर जरूर दो बार तीन बार अगर आपने मोबाइल में डाटा रहे तो आप उसको जरूर देखना। अगर हम इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल लिख दें, 3, 4, 5, 7, 6 और 0, और एक और यदि हम लिख दें 7, 3, 2, 5, 8, 0, यदि एक और हम लिख दें 8, 5, 3, 4, 8, 4, और यदि एक और हम यदि ऑप्शन में लिख दें 8, 7, 5, 6, 2, 4, 1। तो यदि हमको ऐसा ऑप्शन दे करके रखा है और बोला है कि आप ज्ञात करें कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि चार से विभाज्य होती है और कौन सी ऐसी संख्या है जो कि चार से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होती है, तो हमें करना क्या है, हमें पूरा चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट का दो अंक देखना है कि अंतिम का दो अंक क्या कर रहा है। तो अंतिम का दो अंक यहाँ पे क्या है, 60 है, हमें सिर्फ उसी को भाग दे देना है। 60 में यदि हम चार से भाग दें तो ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, और यदि ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया मतलब कि ये वाली संख्या चार से कट जाएगी। आगे यदि हम चेक करें 80 है, हमें सिर्फ इसी लास्ट के दो अंकों को, इस 80 को चार से भाग दे दें तो फिर ये भी पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं कि कट जाएगा, इसका मतलब कि ये संख्या भी पूर्ण रूप से विभाज्य है चार से। यदि हम आगे इसको देखें तो लास्ट में ये 84 है, 84 को ही हम सिर्फ चार से भाग दे करके देखेंगे, इसका मतलब ये भी 21 बार में कट रहा है, तो फिर ये भी जो है कि नहीं पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। हमें इतना देखना नहीं, हम एकदम वर्बली अगर देखते हुए बढ़ जाए तो हम एकदम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं बिना कलम उठाए, बिना कुछ सोचे। यहाँ पे लास्ट में 41 है, 41 को यदि हम चार से भाग दें पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, इसका मतलब कि यह संख्या चार से विभाज्य नहीं। तो जब भी वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो चार ऑप्शन यदि दिया है या पांच ऑप्शन दिया है तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, और एक दे देगा कि वो नहीं कटेगा, और तीन चार ऐसा ऑप्शन दिया कि जो आराम से विभाज्य हो जाता है, अथवा वो क्या करेगा कि ऐसा दे सकता है चार ऑप्शन कि कौन सा ऐसा है जो कि चार से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा कि तीन ऑप्शन ऐसा दे देगा जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, तो आपको उसको उस हिसाब से चेक करना होगा। आगे हम देखते हैं पांच का नियम। पांच का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो उसके अंतिम स्थान पे या तो जीरो हो या तो पांच हो, जीरो अथवा पांच हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से पांच से विभाज्य होगी, और यदि अंतिम अंक पे जीरो अथवा पांच के अलावा किसी प्रकार की कोई भी संख्या दी गई, कोई भी अंक हो, तो वह संख्या कभी भी पांच से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो सकती है। इसके लिए भी हम कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लिखें 4, 3, 2, 5, 7, 0, अगर हम दूसरा इसके लिए लिख दें 4, 3, 8, 5, 7 और 7, अगर हम लिख दें 8, 5, 2, 3, 7, 8 और 5, और यदि हम लिख दें 8, 7, 5, 3, 2, 8, 0, पांच का नियम क्या कहता है, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। पांच का नियम कहता है कि कोई भी संख्या यदि हो जिसका अंतिम अंक यदि शून्य हो अथवा अंतिम अंक पांच हो तो वह संख्या पांच से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसके अंतिम अंक पे शून्य था, इसके अंतिम अंक पे पांच था, लेकिन हम देख रहे हैं यहां अंतिम अंक पे डबल जीरो है, इसका मतलब अंतिम पे तो जीरो है ही, अकेले भी जीरो है, तो आप वहां पे चकित नहीं होना कि यदि नियम ये कहता है कि अंतिम अंक शून्य हो और यदि डबल शून्य दे करके रखा है तो आप वहां पे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं अपने दिमाग में रखिएगा, तो ये भी जो है कि नहीं पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी संख्या है जो कि पांच से विभाज्य नहीं होगा। तो अभी तक हम क्या देखे हैं, दो का नियम क्या कि किसी प्रकार की कोई भी सम संख्या हो तो वह दो से विभाज्य होगा, तीन का नियम था अंकों का योगफल क्या हो तीन से विभाज्य हो, चार का नियम क्या था कि अंतिम के दो अंक पे या तो शून्य हो अथवा दो अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या हो लास्ट में वो चार से विभाज्य हो तो वो संख्या चार से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, पांच का नियम था कि लास्ट में अंतिम अंक या तो शून्य हो या तो पांच हो तो वह पांच से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। अब आते हैं हम छह के नियम पे कि अगर किसी प्रकार की यदि कोई संख्या दी गई हो तो अगर आपसे पूछ दे कि यह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य है अथवा नहीं है तो
तो हम उसे कैसे किस प्रकार से चेक करेंगे और समय रहते चेक करेंगे, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। एक ये रहा 3, 6, 2, 5, 2, यदि हम लिख दें, यदि हम लिख दें 6 का नियम ध्यान से एक बार सुन लेना। 6 का नियम ये कहता है कि यदि जो संख्या दी गई हो वो है संख्या 2 से और 3 से, दोनों से यदि पूर्ण रूप से विभाज्य होती हो तो वह संख्या 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। फिर से ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या दी गई हो वह यदि 2 से और 3 से, दोनों से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है, दोनों से, सिर्फ किसी एक से नहीं, ऐसा नहीं कि किसी एक से कट जाती हो और दूसरे से न कटती हो, दोनों से कटना चाहिए। इसका मतलब कि उस पे 2 का भी नियम लगे और 3 का भी नियम लगे। यदि दोनों का नियम वह फुलफिल करता है, इसका मतलब कि वह संख्या 6 से भी निश्चित रूप से विभाज्य होगा। हम चेक करते हैं 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक या तो सम होना चाहिए, या तो 0 हो या तो कोई सम हो। इसका मतलब कि ये वाला जो पहला नंबर ऑप्शन है वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब हमें चेक करना है क्या कि क्या यह 3 से कटता है। यदि यह 3 से भी पूर्ण रूप से कट रहा होगा तो यह संख्या 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। 3 से नियम क्या था कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 3 कट गया, 6 कट गया, 5, 2, 7 और 2, 9 कट गया। अंकों का योगफल 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब यदि यह 2 से और 3 से दोनों से पूर्ण रूप से विभाज्य होता है तो यह संख्या जो है वह 6 से भी निश्चित रूप से विभाज्य होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट में 4 है, सम है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं कि क्या यह 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल कटना चाहिए। तो 6 कटा, 3 कटा, 5, 4, 9, फिर 5 और 4, 9, इसका मतलब 3 से भी पूर्ण रूप से विभाज्य हुआ, तो यह भी जो संख्या दी हुई है यह 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। अगला हम तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, लास्ट में सम है, इसका मतलब 2 से यह पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अब देखते हैं क्या यह 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है अथवा नहीं है, मतलब 6 कटा, 3 कटा, 5, 4, 9 और 3 और 6, 9, इसका मतलब ये 3 से भी कटा तो ये भी संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाज्य होगी। अगला हम चेक करते हैं, हमने यहां पे देखा कि यह संख्या जो है लास्ट का जो अंक है वो विषम है, और यदि विषम है इसका मतलब कि यह 2 से कभी नहीं कटेगा, और यदि यह 2 से नहीं कटा, 3 से भले यह कट जाए तो भी यह जो है कि नहीं, यह संख्या कभी भी 6 से निश्चित रूप से विभाज्य नहीं होगा। जैसे ही 2 से हम देख लिए कि यह अंतिम अंक विषम है, 2 से कटेगा नहीं, तो हमें 3 से परीक्षा में बैठ करके वहां पे चेक करके अपने समय बर्बाद करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत है ही नहीं, हम सीधा वहीं पे छोड़ देंगे। तो यह हो गया आपके 6 का नियम। 6 का नियम क्या है कि 6 का नियम यह है कि जो भी संख्या 2 का नियम और 3 का नियम दोनों ही फुलफिल करेगा वह संख्या 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। यदि उन दोनों में से किसी भी एक संख्या से वह नहीं कटता है तो वह संख्या 6 से नहीं कटेगा। अब आता है 7 का नियम। 7 का नियम अभी हम छोड़ते हैं। 7 का, 11 का और 13 का एक ही तरीका बताएंगे जिससे आप 7, 11 और 13 तीनों का आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं 8 का। 8 का नियम यह कहता है सिर्फ 4 से मिलता जुलता है और इसमें किसी प्रकार का कोई कुछ अलग से है नहीं। तो 8 का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या दी गई हो, उसका अंतिम का 3 अंक शून्य होना चाहिए। 4 में कितना अंक शून्य होना चाहिए था, 4 में 2 अंक शून्य होना चाहिए था। अंतिम का 2 अंक 4 का नियम में कहता था कि अंतिम का 2 अंक शून्य हो, जबकि 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 3 अंक शून्य हो। अंतिम का 3 अंक शून्य हो, यदि अंतिम का 3 अंक शून्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाज्य होगा। अथवा अंतिम के 3 अंकों से बनी हुई संख्या, कोई भी संख्या यदि दी गई हो, 3, 2, 5, 1, 2, यदि अंतिम का 3 अंक 8 से निश्चित रूप से विभाज्य होता हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। दो चीजें एकदम ध्यान से याद करके रखना कि यदि हम लिख दें कुछ यहां पे,
और हमें यदि चेक करना हो कि यह विभाज्य होता है अथवा नहीं होता है आठ से, तो आप देखिए आठ का नियम क्या कहता है कि अंतिम का तीन अंक शून्य हो, अंतिम का तीन अंक शून्य है, यह वाली संख्या जो है वो आठ से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला है अंतिम के तीन अंकों से बनी हुई संख्या भी यदि कट रही हो आठ से तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो यहाँ 512 दिया है, 512 को हम 8 से चेक करेंगे कि क्या यह 8 से कटता है या नहीं कटता है। तो 8 से यह 51 में कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है, 48 और बचा फिर कितना, 3 बचा, 3 और 2 32 मतलब 36 32। तो यह संख्या जो है यह भी 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यहाँ पे जब हम गए तो यहाँ पे हमें मिला 557, 557 को यदि हम चेक करें तो यह संख्या जो है कि नहीं, अगर हम चेक करें तो यह संख्या 8 से निश्चित रूप से विभाज्य नहीं हो रही है। यदि 8 से नहीं हो रही है मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे तीन अंकों से बनी हुई संख्या क्या है, 400 है, 400 को यदि हम 8 से भाग दें तो यह 50 बार में कटेगा, इसका मतलब कि यह भी संख्या जो है कि नहीं 8 से निश्चित रूप से विभाज्य है। तो 8 का नियम ध्यान से सुन लो कि अंतिम का तीन अंक या तो शून्य हो या तो अंतिम के तीन अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से निश्चित रूप से विभाज्य होती है, इसका मतलब कि वह पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगी। अब आते हैं हम 9 के नियम पे। 9 का नियम यह कहता है कि सेम 3 का नियम है, जिस प्रकार 4 के नियम का पूरा जो है कि नहीं तरीका 8 पे था, सिर्फ एक शून्य वाली अधिक और एक अंक अधिक का बात था, उसी तरीके से 3 का नियम टोटल 9 का नियम है। 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या, कितना भी डिजिट उसमें यूज हुआ हो, उसको यदि आपको दिया हुआ है परीक्षा में तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है कि आप उसके अंकों का योगफल चेक करना, यदि जो है कि नहीं वह 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य होगा। लेकिन हमें पूरी संख्या पूरे संख्या के अंकों का योग करना नहीं है, हमें जहां 9 हो जाएगा हम वहीं पे कटा देंगे। जैसे कि यदि 3, 6, 5, 4, 2, 7 यदि दिया हुआ है तो हम इसको जोड़ने नहीं जाएंगे, हम आराम से 3 और 6 9 हो गया हम काट देंगे, 5, 4 9 हो गया काट देंगे, 2 और 7 9 हो गया काट देंगे, या फिर कोई भी यदि दिया हो 9, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 2, 6, 7, 3, फिर 6, 2, 5, 4, 2, 7, 1। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 9 से विभाज्य होगी और कौन सी ऐसी है जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसको यदि हम देख रहे हैं तो 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 2 बच गया, इसका मतलब कि यह 9 से विभाज्य नहीं होगा, ये वाला 9 से विभाज्य हो रहा था। अगला यदि हम चेक करें 5 4 9 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, मतलब ये वाली संख्या 9 से विभाज्य होगी। आगे यदि हम यहाँ पे देखें तो 5 और 4 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 6 2 8 और 1 9 कट रहा है, इसका मतलब कि यह भी संख्या जो है कि 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको जोड़ने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो है कि नहीं उसी प्रकार से कटाएंगे। अब आते हैं 10 के नियम पे। 10 का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंतिम अंक पे शून्य होना चाहिए। छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है कि किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो उसके अंतिम अंक शून्य होने चाहिए। शून्य के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी अंक 1 से लेकर के 9 तक हो तो वह संख्या कभी भी 10 से निश्चित रूप से विभाज्य नहीं होगा। जैसे कि यदि हम ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन क्या है, इसको हम डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं, जैसे 3, 1, 5 और 0। यदि यहां पे लास्ट के अंक पे यदि 0 है तो यह संख्या कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसके अलावा यदि यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी दिया हो तो यह संख्या जो है कि नहीं कभी भी विभाज्य नहीं होगी, कभी भी विभाज्य नहीं होगी, इतना ध्यान रखना। उसके बाद अब हम आते हैं 11 के नियम। तो 11 का नियम और 13 का नियम और 7 का नियम हमने आपको बताया था कि हम तीनों का एक ही बार बताएंगे। 12 का नियम हम देख लेते हैं कि 12 का नियम क्या कहता है। वैसे जनरली आपसे परीक्षा जो में जो पूछता है वो पूछता है 3 का 7 का 11 का 13 का, सिर्फ इन्हीं सब चीजों का पूछता है और पूछने का उसका तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। या तो ऐसे ऑप्शन के तौर पर जिस तरीके से हम बताए उस तरीके से पूछ देगा, और या तो फिर वो क्या करेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बना करके और उसमें क्या करेगा कि कुछ लिख देगा 3, 6, 2, 7, 1,
और यहाँ पे जो है कि नहीं x मान दिया, और उसके बाद यहाँ पे आगे लिख देगा कि x का न्यूनतम हम मान कितना माने ताकि यह संख्या जो है वह पूर्ण रूप से तीन से विभाज्य हो जाए। सेम क्वेश्चन इस तरीके से लिखेगा, बीच में या कहीं पर भी m मान लेगा, x मान लेगा या कुछ भी मानेगा, और बोलेगा कि आप बताइए कि x का मान हम न्यूनतम कितना माने या कितना रखें जिससे जो है कि नहीं यह संख्या तीन से निश्चित रूप से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यह तीन कट सकता है, छ कट गया, उसके बाद क्या दो और एक तीन कट गया, छह कट गया, सात यहां पे बचा, हमें कटाना है तो कैसे कटेगा, तीन का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, सात हमारे पास है और तीन का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब हमें कमी पड़ रहा है, कितने की कमी पड़ रही है, दो की कमी पड़ रही है, मतलब x के जगह पर यदि हम दो रख दें तो यह संख्या, और न्यूनतम दो रख दें क्योंकि न्यूनतम वाली बात बोला है, तो यदि हम रख दें तो सात और दो नौ हो जाएगा और यह संख्या जो है कि नहीं कट जाएगा। तो ऐसे में आप वहां पे बल्कि सोचने नहीं जाना, आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा, आप स्पीड में बढ़ते हुए जाना और ऑप्शन की मदद जरूर लेना परीक्षा में। आगे हम देखते हैं 12 का नियम, कि 12 का नियम आखिर क्या कहता है। 12 का नियम कहता है, आप 12 के बारे में सोचिए कि 12 जो है वह 4 गुणे 3 होता है, 4 × 3 = 12, इसका मतलब कि उस पे 4 का भी नियम लगना चाहिए और 3 का भी नियम लगना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि 12 के नियम के लिए क्या हमें करना है। तो 12 के नियम जानने से पहले हमारे ध्यान में होना चाहिए किसके किसका नियम, 3 का और 4 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब कि कोई भी संख्या दिया गया हो वह संख्या का अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, मतलब 3 6 2 7 उसके बाद 5 4 और यहां पे यदि हम 0 कर दें, उसके बाद यदि हम दूसरा एक और लिख लें 5 4 2 7 6 3 और यदि हम यहाँ पे 0 कर दें, फिर यदि हम तीसरा लिख देते हैं ऑप्शन 6 4 2 1 8 0, यदि हम कर दें चौथा नंबर ऑप्शन 2 7 1 8 6 3 5 4, या फिर इसके लिए हम यहाँ पे 00 कर देते हैं। तो चार इसपे 12 का नियम है, तो 12 के नियम के लिए हमें किसका किसका चेक करना है, 3 का और 4 का। 3 का भी इस पे नियम लगना चाहिए और 4 का भी नियम लगना चाहिए। 3 का नियम कहता है अंकों का योगफल 3 से कटे, 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो अंकों से बनी हुई संख्या या तो शून्य हो या तो उससे बनी हुई संख्या 4 से कटे। इसका मतलब हमें यहाँ पे जिस तरीके से हम 6 वाले में 2 और 3 दोनों का चेक करते थे, यहाँ पे हम 3 और 4 दोनों का चेक करेंगे। तो 3 का नियम से यदि देखें 3 कटा, 6 कटा, 2 और 7 9 कटा, 5 और 4 कटा, इसका मतलब 3 से तो यह कट गया, 4 से देखना है तो 4 से बोला अंतिम का दो अंक जो है वह 4 से विभाज्य हो, 40 से मतलब 4 से विभाज्य होगा, इसका मतलब कि यह जो है यह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगला हम चेक करें तो 5 4 9 2 और 7 9 6 और 3 9, इसका मतलब कि यह संख्या जो है यह भी 3 से कट रही है, लेकिन क्या यह 4 से कट रही है, लास्ट का अंतिम का अंक यदि हम देखें अंतिम से बनी हुई संख्या तो यह 30 है और 30 कभी भी 4 से नहीं कटेगा, और यदि 4 से नहीं कटेगा इसका मतलब कि यह संख्या जो है यह 12 से नहीं कटेगा। यहां पे अंतिम का अंक 80 है, इसका मतलब 4 से तो यह कट रहा होगा, हमें चेक कर लेना है कि क्या यह 3 से कटता है, तो 6 4 10 2 12 12 तक कट गया, 8 और 1 9, इसका मतलब यह 3 से भी कटा और यह 4 से भी कटा, तो यह संख्या 12 से भी निश्चित रूप से विभाज्य होगा। अगला हम चेक करें लास्ट का अंतिम का दो अंक 0 है, इसका मतलब कि यह 4 से कट रहा होगा, हमें सिर्फ चेक यह कर लेना है कि क्या यह 3 से कटता है, तो 2 7 9 1 और 8 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, इसका मतलब कि यह भी 3 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो यह संख्या जो है वह 12 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। अब आ जाते हैं आपका जो है कि नहीं छूटा है एक 7 का नियम, 11 का नियम और 13 का नियम। तो हम एक ही नियम में यह तीनों के तीनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों का लगभग कुछ किताबें अलग अलग नियम दे रखी हैं, लेकिन हम एक तरीका बताते हैं जिसपे आप चलेंगे तो आसानी से जो है कि नहीं इन तीनों को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज समझना कि कोई भी अंक यदि हो, किसी भी अंक से बनी हुई संख्या यदि हो, यदि वह रिपीट किया कोई संख्या ऐसी हो एक अंक 6 बार रिपीट कर दे, लिख लेते हैं 7 का 7
11 और 13 से कटने वाली संख्या, कोई भी संख्या हो यदि एक अंक के रिपीटेशन से बना हो और वह कितनी बार, 6 बार उसका यूज हुआ, मतलब यदि हम लिख दें 3, यदि हम 6 बार लिख दें तो यह संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। चेक कैसे करना है, आप एक चीज सोचिए कि यदि मान लेते हैं कि 6 बार न लिखा हो, 6 बार यदि लिखा ही नहीं हो, वह 5 बार लिखा हो, वह 4 बार लिखा हो, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो आप एक चीज सोचिए, इसका नियम जो होता है सिंपल वे में आप सोचिए, आप इधर से इस साइड से आप तीन तीन का जोड़ा बनाना, तो यहां पे तीन तीन का जोड़ा बना तो यह 3 बार 3, और इधर एक और जोड़ा बन गया, तीन तीन का मैक्सिमम आप जोड़ा बनाते हुए जाना और उनका अंतर देख लेना। अंतर यदि अंतर 0 आया तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगा, और यदि अंतर 0 न आकर के इनमें से किसी का भी यदि गुणज आया तो फिर उसी से कटेगा। जैसे अगर हम चेक कर लें, जैसे यह संख्या अगर दिया किसी प्रकार का, अगर मान लेते हैं कि 6 बार 5 दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, अंतर देखेंगे, 0 आएगा, इन तीनों से कटेगा। और यदि नहीं 6 दिया है, यदि संख्या कम ही दे दिया तो भी हम क्या करेंगे कि उस साइड से पहले 3 मारेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यदि दे दिया इस हिसाब से कुछ, तो इसको हमें थोड़ा सा समय लगेगा चेक करने में कि आखिर क्या करना है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आप एक चीज सोचिए, इधर से 3 तक आए और फिर जो भी बचा उसे एक जोड़ा मान लेना। अगर 6 अंक नहीं है, यदि 6 से कम है, 5 है 4 है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले इधर से 3 तक ले लो और फिर जो भी एक बचे उसको भी जोड़ा मान लो, उसको एक अलग मान लो, और दोनों का 2 पार्ट करके इनका अंतर देख लेना। जब आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर आपको जो है कि नहीं 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक और ये भी एक, और 0 यदि आया मतलब ये भी 7 से कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे यदि हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा यदि बदल करके देख दिया, ऐसा लिख दिया और बोला कि आप बताइए कि ये वाली जो संख्या है, यह संख्या इनमें से किससे विभाज्य होगी और किससे नहीं होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल वे में इनका पहले बनाइए 3, तो ये 125 हो गया, इसका यदि हमारा है तो ये 202 हो गया, मतलब कि 202 में से 125 का डिफरेंस हमें देख लेना। तो 202 में से 125 का यदि डिफरेंस देखे तो आ गया कितना, 77, और 77 कटेगा किससे, 7 से तो कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा लेकिन 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यह जो संख्या है यह 7 से कटेगा, 11 से कटेगा लेकिन 13 से नहीं कटेगा। आगे हम एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि और बड़ी संख्या दे करके रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर है वह किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि नहीं बना देगा, तो यदि हम इससे और बड़ा यदि हम क्वेश्चन देखें, यदि वो लिख दिया 150 457 और फिर 250, वैसे इतनी बड़ी संख्या देगा नहीं, लेकिन यदि फिर भी दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इधर से तीन तीन का जोड़ा बनाइए और अल्टरनेटली अब जोड़ देना, क्योंकि यदि 6 ही होता या 5 होता तो हम उन्हीं का अंतर देखते, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, बढ़ा दिया है, तो आप अल्टरनेटली इनको पहले जोड़ लेना। तो आप इनको जोड़ो 250 और 150, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400, इनको यदि आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 400। ध्यान से सुनो, 250 और 150 यदि आप जोड़ दें तो हो जाएगा 400, और ये है 457। तो हमें जो डिफरेंस देखना है वो 457 और 400 का देखना है, तो आ जाएगा डिफरेंस कितना, 57। हम देख रहे हैं कि 57 ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, ना 13 से कट रहा है, इसका मतलब कि ये वाली जो संख्या है ना 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, ना 13 से कटेगी। तो अभी तक आप जो है कि विभाज्यता के नियम के जनरली जितने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप उतना जो है कि नहीं देख लिए हैं, 2 का नियम 3 का नियम बार बार इस वीडियो को आप देखें, और जो है कि नहीं, और जितने भी कमेंट वगैरह किए हैं बाबू कि सर एक एक घंटे का क्लास कर दीजिए, तो बाबू 1 घंटे का क्लास संभव नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट का ही वीडियो जब बनता है तो यहाँ पे नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है कि उसे अपलोड करने में जो है कि नहीं 6 घंटे 7 घंटे का समय लग जाता है। तो जब तक सुविधा वैसा नहीं है ब्रॉडबैंड वगैरह का, तब तक जो है कि नहीं आप इसको देखिए और फिर हम देखते हैं, और जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ाई जो है कि नहीं आप निश्चित रूप से एकदम करते रहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी समझौता न करें,
ठीक है, क्योंकि इस ये जो है कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।